न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। पूर्वी राजस्थान का करौली जिला शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना गया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से योजनाएं लागू की हैं उससे कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी जब तक टिकटों का वितरण नहीं हो पाएगा, जब तक तस्वीरें सामने नहीं आ पाएंगी। अब वहाँ जब चुनाव समीकरण बनता है तो वहाँ इनके मीणा जाति के गोत्रवाद का बहुत इफेक्ट होता है और उसी पर चुनाव आधारित होता है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे टिकट किसको मिले। अब इस बार समीकरण कुछ अलग बदलने की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अभी सचिन पायलट का भी उल्टा सीधा को चल रहा है। पूरे प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखने वाला करौली जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले साल 2 अप्रैल पर नव संवत्सर के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर हुए पथराव आगजनी की घटना से बीजेपी करौली विधानसभा सीट को अपनी मान कर चल रही है, जिससे करौली सीट को लेकर कांग्रेस की चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। तो राजस्थान तक के इस खास कार्यक्रम कौन जीतेगा राजस्थान में आज हम बात करेंगे करौली जिले की। राजस्थान के करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल चारों पर कांग्रेस का कब्जा है। सपोटरा और टोडा भीम की सीट एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि हिंडौन सिटी एससी के लिए आरक्षित है। राजस्थान के करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल चारों पर कांग्रेस का कब्जा है। सपोटरा और टोडा भीम की सीट एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि हिंडौन सिटी सीट एससी के लिए आरक्षित है। अब आपको बताते हैं करौली जिले में विधानसभा सीटों पर कौन कौन से विधायक काबिज है। करौली सीट से बसपा से कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले लाखन सिंह मीणा विधायक है। हिंडौन सिटी से कांग्रेस से भरोसी जाटव विधायक है। टोडा भीम सीट से कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज मीणा विधायक है। सपोटरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से रमेश मीणा विधायक है। और चलिए अब आपको करौली जिले के जातिगत समीकरणों के बारे में बताते हैं। करौली सीट पर मीणा, गुजर, माली, जाटव, ब्राह्मण, अग्रवाल, मुस्लिम, राजपूत का दबदबा है और करौली सामान्य सीट है। हिंडौन सिटी जो कि एससी सीट है, जहां पर जाटव, जाट, गुजर, माली, मुस्लिम, अग्रवाल, ब्राह्मण, मीणा, कोली का दबदबा है। टोडा भीम विधानसभा सीट एसटी सीट है, जहां पर मीणा, गुजर, जाटव, माली, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, अग्रवाल का दबदबा है। सपोटरा विधानसभा सीट जो कि एसटी सीट है, जहां पर मीणा, जाटव, माली, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, अग्रवाल का दबदबा है। और चलिए अब सबसे पहले बात करौली विधानसभा सीट की करते हैं। करौली सामान्य सीट है, यहां से पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लाखन सिंह मीणा कांग्रेस उम्मीदवार दर्शन सिंह गुर्जर को हराकर विधानसभा पहुंचे। लाखन सिंह मीणा ने बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ देते हुए कांग्रेस ज्वाइन की। लाखन सिंह मीणा डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष है। अब जिले में चारों ही सीटें कांग्रेस के पास है। फिलहाल चारों सीटों पर राजनीतिक विश्लेषण करना बड़ा पेचीदा है। कांग्रेस की स्थिति जिले में अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आमजन के लिए जो योजनाएं संचालित की है, फिलहाल महंगाई राहत कैंप में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, उससे कांग्रेसी मांग कर चल रहे हैं कि एक बार फिर जिले में चारों सीटें कांग्रेस की आएगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चली आ रही सियासी खींचतान खत्म होगी। पूर्वी राजस्थान का करौली जिला शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना गया है। वर्तमान में भी अगर अपन देखें तो करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों में से सपोटरा, टोडा भीम और हिंडौन कांग्रेस के विधायक चुने गए। करौली से बहुजन समाज पार्टी के विधायक लाखन सिंह चुने गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान में करौली जिले में चारों सीट कांग्रेस की ही मानी जाएंगी और इस जिले की सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इस जिले से सपोटरा से जो विधायक हैं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद मीणा हैं और करौली से डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन सिंह कटकड़ हैं। वर्तमान में अपन आज की स्थिति देखें तो जिस तरीका से कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से योजनाएं लागू की हैं
उससे कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी जब तक टिकटों का वितरण नहीं हो पाएगा, जब तक तस्वीरें सामने नहीं आ पाएंगी, अगर अपन चारों विधानसभा सीट में से करौली विधानसभा सीट को लें तो यह निश्चित माना जा रहा है कि करौली से कांग्रेस के विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको अगर रिपीट करती है या कोई नया चेहरा लाती है यह तो समय बताएगा, लेकिन करौली विधानसभा का जो राजनीतिक गणित है, यहाँ क्लियर मीना समाज का बाहुल्य है, गुजर समाज बाहुल्य है, और करौली में 2 अप्रैल की घटना का भी असर देखने को मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में पार्टियां कौन को टिकट देंगी, माहौल का जहां तक है कांग्रेस अभी वर्तमान में प्रभावी दिख रही है, लेकिन अभी तक जब तक बीजेपी भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाती, जब तक कहना गलत होगा, और बीजेपी में भी अभी ये क्लियर नहीं है कि वसुंधरा फैक्टर लागू होता है या मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, इसका भी इस ज़िले में देखने का फर्क पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा जी का धौलपुर में निवास है, करौली से भी रिलेटेड है, तो वो स्थिति अलग होगी। दूसरी बात, अगर सीट लेते हैं अपन सपोटरा की, तो सपोटरा में कांग्रेस में प्रबल दावेदारी पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा जी की है, और वो उनको जो फायदा मिलेगा वो एक मंत्री होने का फायदा मिलेगा, साथ ही जो विकास और डांग क्षेत्र का जो एरिया है वो उनका शुरू से माना जाता है, और दूसरा जो एरिया सपोटरा क्षेत्र का पड़ता है उसमें भी उन्होंने अच्छी पैठ बनाई है। दूसरी बात यह है कि वहाँ से बीजेपी ने पिछली बार डॉक्टर करौली लाल मीणा जी, जो मीणा समाज के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनकी पत्नी गोलमा देवी को उतारा था, और उस चुनाव में भी रमेश मीणा जी ने बाजी मारी, तो इस बार भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी उनके सामने कौन सा वजनदार कैंडिडेट लाती है, जिससे जो विधानसभा का जो चुनाव है वो बड़ा। भीम और हिंडौन सिटी पर गुजर समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। जिस तरह गुजर समाज का झुकाव रहता है, उस पार्टी को सीट जीतने का मौका मिलता है। सचिन पायलट ग्रुप से टोडा भीम विधायक पृथ्वीराज मीणा है, जो कि गुजर समाज के बहुमत के साथ ही पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की। उसी तरह हिंडौन और करौली की सीट है, जहां पर गुजर समाज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रुख का इंतजार करेगा। वही टिकट पर भी निर्भर करेगा कि करौली और हिंडौन सिटी में पार्टी टिकट किसे दे। 2023 के चुनाव दिसंबर में होने जा रहे हैं। जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिनमें एक करौली जिला मुख्यालय पर सामान्य सीट है, टोडा भीम सपोटरा एसटी की सीट है, हिंडौन एससी रिजर्वर। चारों विधानसभा सीटों का चुनाव दिसंबर में होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी अपन कोई कयास नहीं लगा पाते हैं, और अभी संभव भी नहीं है। जब तक वो आचार संहिता नहीं लगेगी और टिकट आवंटित नहीं होंगे, तब तक अपन यह बोलने में असमर्थ हैं कि कौन का किसका पल्ला भारी है। वैसे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, ज़्यादातर समीकरण जातिवाद पर होते हैं। ये फैक्ट है, पुराने भी जितने भी चुनाव हुए अब तक वो जातिवाद पर ही यहाँ फैक्ट रहता है। जैसे अपन उठा कर देख लें सपोटरा विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ एसटी की सीट है, जिसमें वहाँ एक जातिगत समीकरण और गोत्रवाद समीकरण रहता है। वहाँ ये बात सही है, एसटी एससी के वोट लगभग बराबर से हैं, लेकिन वहाँ एसटी की सीट होने के कारण एसटी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है। पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, एसटी का प्रतिनिधि वहाँ चुनाव मैदान में करता है। अब वहाँ जब चुनाव समीकरण बनता है, तो वहाँ इनके मीणा जाति के गोत्रवाद का बहुत इफेक्ट होता है, और उसी पर चुनाव आधारित होता है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे टिकट किसको मिले, भाजपा का किसको मिले, कांग्रेस का किसको मिले और बसपा का किसको मिले। ये चुनाव का अपन समीकरण तभी कयास लगाएंगे कि ये संभव कौन, भाजपा आगे है या कांग्रेस आगे है या बसपा आगे। इधर अपन जब करौली की बात देखते हैं, करौली सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन इस पर
एसटी के और ओबीसी के प्रतिनिधियों को पिछली बार से टिकट मिलना चालू हुआ देखा गया है। तो उसमें भी क्या यहाँ जातिगत क्षेत्र है, मीनार गुजर बाहुल क्षेत्र, इन दोनों जातियों के पीछे अन्य जातियों का समीकरण बैठना वो अलग से रहता। मीना जाति के साथ में पिछली बार जैसे बसपा का टिकट मिला था मीना जाति के उसको, तो उसके साथ में एससी के लोग जुड़ गए, उससे उनकी जीत होगी। इस बार कांग्रेस के साथ में पिछली बार समीकरण चलता आ रहा है, माली फैक्टर भी यहाँ काम करता है। तो अब ये कांग्रेस के साथ में माली फैक्टर शुरू से चलता आ रहा है और अब भी आगे भी संभावना है, लेकिन ये अभी टिकट मिलने के पर ही फाइनल होगा। भाजपा का यह प्रतिनिधि रहता है वो सामान्य वर्ग से ज़्यादा अपना फैक्टर बना पाता है। वैसे अभी चुनाव यदि प्रचार प्रसार की बात देखें तो अभी कांग्रेस का तो उनके जो वर्तमान में विधायक मंत्री वो हैं वो अपने स्तर पर ही प्रचार प्रसार में चल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के यहाँ प्रतिनिधि अभी चुनाव प्रचार के उसमें काफ़ी आगे, वो कोई धार्मिक आयोजन के नाम पर कर रहे हैं, कोई किसी के नाम पर कर रहा है, कोई जातिवाद के नाम पर कर रहा है, तो उसके जरूर प्रतिनिधि आगे, लेकिन अभी उनका भी कोई ये डिसीजन नहीं है, वो टिकट मिलने का फाइनल हो कि उनके साथ में कौन जुड़े कौन नहीं। इसी प्रकार हिंडौन का मामला देखते हैं अपन, वहाँ एस सी की सीट है और वहाँ एस सी का प्रतिनिधि ही ज़्यादातर निकलता आ रहा है, क्योंकि वहाँ एस सी का वोटर जाता है, उनके साथ में अन्य समाज भी जुड़ जाते हैं। तो कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस मीना समाज को साथ में जुड़ जाता है। पिछली बार जैसे वहाँ सचिन पायलट के नाम से गुजर जो जुड़ गए उसके साथ में, अब इस बार समीकरण कुछ अलग बदलने की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अभी सचिन पायलट का भी उल्टा सीधा वो चल रहा है। और चलिए बात सपोटरा विधानसभा की। सपोटरा विधानसभा में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा आते हैं, जो कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी पूर्व मंत्री गुलमा देवी पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी है, इस बार भी उन्हें सीधी टक्कर डॉक्टर किरोड़ी लाल समर्थित प्रत्याशी से ही मिलेगी। जिले की हॉट सीट सपोटरा विधानसभा है, जहां पर रमेश मीणा के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता रहा है। चारों ही विधानसभा सीटों पर दोनों जातियों की निर्णायक भूमिका रहती है। सपोटरा विधानसभा में सबसे अधिक एसटी 34% है, जबकि एससी 22.98% है। इन दोनों जातियों के साथ माली समाज का झुकाव जिस पार्टी के साथ रहता है उसी पार्टी के उम्मीदवार को फायदा पहुंचता रहा है। तो वहीं टोडा भीम विधानसभा में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या 29.8% है, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 21.63% है। इसके बाद यहां तीसरे नंबर की जाति गुर्जर समाज है, जो कि निर्णायक भूमिका में हमेशा रहती है। वर्तमान में यहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समर्थित पृथ्वीराज मीणा विधायक है। हिंडौन विधानसभा की बात करें तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी 31.88% है, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी 8.31% ही है। यहाँ जाट गुजर मालिका जिस पार्टी के प्रत्याशी के साथ किसी भी एक जाति का झुकाव होता है वह कामयाबी हासिल करता है। यहाँ पर जाट और जाट समाज का कॉम्बिनेशन हमेशा रहा है। करौली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी 20.35% है, जबकि अनुसूचित जाति एससी 16.9% है। यहाँ पर मीणा गुज्जर के बाद माली जाति का झुकाव जिसके साथ रहता है वह सफल हुआ है। यहाँ पर नव संवत्सर पर 2 अप्रैल पर हुई पथराव और आगजनी की घटना के बाद से कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ से माली समाज कांग्रेस का वोट बैंक है और लाखन सिंह मीणा वर्तमान में विधायक है, जो कि बसपा से जीत कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस में शामिल हुए। वह इस समय डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष है। अगर कांग्रेस लाखन सिंह मीणा को टिकट देती है तो वह मजबूत स्थिति में है। बीजेपी में यहाँ टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसको देखते हुए पार्टी आलाकमान को काफी सोचना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी सोच कर बैठी है कि करौली में 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसके बाद से ही वह मान रहे हैं
कि यह आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में आएगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक जातिगत समीकरण के कारण यह अभी भी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। चलिए अब आपको विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम के बारे में बताते हैं। करौली में लखन सिंह मीणा बहुजन समाज पार्टी से जीते, जिन्होंने 61,163 मत मिले, जिनका वोट प्रतिशत रहा 35.75%। लखन सिंह मीणा ने कांग्रेस के दर्शन सिंह गुजर को हराया था। गुजर को 51,601 मत मिले और वोट प्रतिशत 30.16% रहा, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ओपी सैनी तीसरे स्थान पर रहे। और सपोटरा की बात करें तो कांग्रेस के रमेश चंद्र मीणा को 76,399 मत मिले, जिनका वोट प्रतिशत 45% रहा, जबकि बीजेपी की गोलमा देवी 62,295 मत प्राप्त हुए, जिनका वोट प्रतिशत 36% रहा, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हंसराज मीणा को 22,831 मत मिले, वोट प्रतिशत 13% रहा। इस बार हंसराज मीणा बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। करौली जिले के मुद्दे क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। करौली का प्रमुख मुद्दा है चंबल नदी से पांचना बांध में पानी लाकर जगर बांध को छोड़ना। दूसरा, भद्रावती नदी को रियासतकालीन स्वरूप देना, जो इस समय नाले में तब्दील है। तीसरा, नवीन अस्पताल तक टू पॉल लाइट डिवाइडर के साथ बने आने जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध होना। चौथा, खनन मजदूरों को खनन पट्टे दिए जाना आदि है।